मैं हसन मुराद ते तुसी वेख रहे हो हसन मुराद चैनल। अज मैं बहुत खुश हाँ, हैप्पी हाँ हमेशा की तरह, लेकिन अज कुछ ज़्यादा। वो इस करके कि अज दे जिहड़े साडे पुराने मेहमान ने, आहा मैं चुके जाती तौर पर भी उन्हों का फैन हाँ, वैसे उन्होंने वेख के ना मैं खुशी चढ़ जाती है। तो मैं ना प्यार जो मेरा मैं उन्होंने बुलाना हो तो मैं उन्होंने कहना बाऊ जी। आहा साजन अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद जी। यार रियली मैंने बहुत देखो ना, मैं गलत नहीं कह रहा बाऊ जी है कितनों कोई है बंदा कॉमेडियन तन लगता हो, अपने फीचर लो, अपनी फिगर लो, अपने पहनावे लो, अपनी मुस्कुराहट लो। उन्हीं अनाउंस करेगा कि ठीक है वो त्यारा बाहर खड़ा हुआ है, जहाज जो है वो लैंड कर गया है। मैं दरअसल अरब की एक रियासत का एक सारे शहजादों से उम्र में छोटा शहजादा। नहीं उस्ताद जी, मैं तो जहाज से चिप्स बेचने वाला हूं। अल्लाह पाक तुहानू जिंदगी तंदुरुस्ती दे। साजन बाज भाई, बाकी तुहाडी परसनैलिटी तो जी सर, तुसीं ना यानी कि उन्हें एक स्टूडेंट मुंडा बैठा है और या मेडिकल का है या साइंस का स्टूडेंट है और दुनिया के उत्ते उन्हें कोई ऐसी चीज़ आजाद की कि जी किसी को भी नहीं हुई, तो अगर जो नहीं तो कमर्स के विच पूछ लेना, ऐसा नहीं लगता। लेकिन जो करके एक माहौल बनता है उदो फिर वो साजन जरा सब दिलों की धड़कन है, तो ये खुला तजाब नहीं है। सब तो पहले तो ये जी मुर्शद पाक की दुआ ना अल्लाह पाक का तरस बेश पहली गल। मैं पहले इंज जूत करता ही नहीं माशाल्लाह, तुहाडे भी लखां ड्रामे तकरीबन कई लोग कीते ने, तुसीं भी जानते हो कि खलो के ही जूत करना सब ठीक है। वो जो फिर वो सचा चाहता है ना तो वह कुछ ना कुछ अता बेच कर देंदा, तो वह जूं ही वो हिल जुल बेच आई ना और ढिला करके बोलना आया, हाँ जी फिर मैं सारे सीनियर हजरात ने बहुत मना किया, बंद किया कि वे थिएटर से इंज जूत नहीं होंगी, जूत इंज नहीं होंगी, जूत इंज खलो के करी दी है उतले सुर च, तू इंज करके तेरी जूत इधर नू जाती इंज करी दी जूत उत्ते। मैं खैर अल्लाह ने दिमाग च पा दिता होया कि तेरी जूत इंज कैश होंगी, इंज लोग हसते ने तेरी गल गलते। तो वो सर फिर इंज हो कि बैक स्टेज इन्हों को मैं माफ़ी मांग लेनी जो एंट्री होनी फिर ढिलाई स्टार्ट हो गया। अच्छा बस और रब ने बनाता मस्ताना साहब की चूंकि बहुत अल्लाह बख्शे नौकरी की थी उस्ताद सन जी बेशक खिदमत बब्बू बराल साहब नौकरी खिदमत मैं खिदमत तो एहतराम समझना नहीं नहीं नौकरी नौकरी की ठीक है जी सर। तो उन्होंने दुआवां भी शामिल ने मेरे इस सारे काम च ठीक है जी। तो वड्डे हो तुसीं, मैं उन्होंने कुछ सुने वो ये मस्ताना साहब अल्लाह बख्श हाँ हाँ चौकी खान साहब जिन्हें सीनियर ने सब लोग जानते हैं, किसी का ना लैन की भी जरूरत नहीं, वो एहतराम ले लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने क्रेडिट जी क्रेडिट बिल्कुल ना क्रेडिट जे आ क्रेडिट हाँ सर ऐसा कि किसी और मुल्क चाहिए पैदा हुए होंगे हेलीकॉप्टर से उतर रहे होंगे पाजी अल्लाह की कसम इन्होंने नाम से रोड बने जी सर शहर होंगे जी सर। बबू साहब एक दिन उस्ताद जी मौज च सन किते ते मैं ना पैर दबा रहा सा बूटा समेत उस्ताद नाल, ते उस्ताद जी बैठे हुए सन ते ना कहंदे ने साजन जिवें बोलते सन साजन बेटा पता की रौला है, एक हुंदा है जुगत सुना नहीं वो सारे सुना रहे ने इस टाइम जिन्ना भी थिएटर है वो जुगत सुना रहे है, मतलब खलो के जुगत कर रहे है। एक हुंदा है जुगत वहाणी उस च तुहाडी पूरी बाडी काम करे पूरी स्ट्रक्चर, अगर ये गोल गप्पे वाले ने तो पानी सुटे आ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਚੇਪ 'ਚ ਔਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁਗਤ ਵਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਇੰਝ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਇੰਝ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਦੀ ਦੁਆ ਨੇ ਬਸ
सिस्टम सीधा करते हो। अच्छा ए देखो कि हमेशा हिट जिहड़ा ना वो स्टाइल हुंदा है बेशक, और जो तुम फरमा रहे हो ए अगर मुख्तसर कही तो बॉडी लैंग्वेज है जी, ये चूंकि परफॉर्मेंस का एक हिस्सा है, इसका इस्तेमाल वो करता है जिन्हों रब अता कर दे और उन्होंने समझ हो दल गैर हो यानी कि बगैर समझो भी जो कर्म होंगे ना तो दिल कर दिया होंगे, उन्होंने नहीं पता होंगे मैं की कर लेकिन दिल कर दिया होंगे फाइनल बात है। हाँ अगर जिन किताबी शक्ल देखिए तो बॉडी लैंग्वेज एक हिस्सा है एक्टिंग का, यानी कि बबू बराल साहब भी बॉडी लैंग्वेज नाल काम करते सन, यानी कि जिसल उन्होंने स्टेज पर आना ना तो वो पहले नॉर्मल ही ना के इंज करके जी जी फिर सजे हैं कपड़े भी गए हैं यस है तो फिर सजे भी गए अरे बोले नहीं ला यस है मुनव्वर शरीफ साहब और मैं ही जड़ी पे आई यस रंगीला ये बॉडी लैंग्वेज है मस्ताना साहब अल्लाह बख्श के आप अर्ज किया है जी बॉडी लैंग्वेज ठाकुर साहब यस तो ये स्टाइल है इसमें खड़े होकर जुगत करना वो जुगतियों का काम है जो जुगत करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जुगती भी एक काम है लेकिन वो महज जुगत करना उसमें खड़ा सुर चाहिए। जब आप परफॉर्म करते हैं तो फिर परफॉर्मेंस तो कुदरत की देन है, ये जो अंग आपका बना है ये कुदरती अंग है और उसमें आपने जुगत को समझाया करके दिखाया अल्लाह की तरफ इन्हों का सासा है यह जी गल कि ये कदम एक अच्छा एडिया एडिया सियानिया गल्ला और एडी एडी बारीक गल ये तो कोई थिंक करते हो सोचते हो या वैसे ही कुदरती तौर पर जेन च आ जाती है। उस आज जो ना वड्या ने प्यार करना शुरू किया उन्होंने बहना शुरू हो ते... तुम तो पता मैं मुछा का बोर से जो मैं आया इस फील्ड है ना जी पेंसिल ना मुछा मैं इसलिए बनाइया सब जिहड़ियां हुण तक बना लिया पै रही ने क्योंकि बिल्कुल नहीं है जे और जिन्हों कहते लोई जी भी तो वह नहीं सी हल्की जी लकीर जी सी ते जो साजन स्टेज पर आए मुछा बनाइया कि ना स्टेज के उत्ते मैं भाई भाई लगा मेरी ना जुगत च कोई वजन जहा लगे बच्चा ना लगा वो मुछा हुण तक बनानिया पै रही तो कहना मतलब जो थोड़िया वे कंपनियां सानू मिली उन्होंने प्यार करना शुरू किया अपने घर से ले जाने लग पाए सू रोटियां भी खवानी है सू मुहब्बत करनी चाहत करनी प्यार करना है सर तो फिर जो व्या बंद बहो तो ब्रेन फिर उम्र ने वेखदा वो अल्लाह वालों ही गल ओढ़िया ने सियाने पंजाबी सियाने वाली गल गल यानी कि इनू असं कहे कि आमद जिस कोई प्री प्लान नहीं कुछ नहीं क्योंकि एक काम प्री प्लानिंग मिथ के भी है ना जी ओदा होमवर्क करना या पुरानी गल्लां नु रलाना सिद्धा करना सिद्धा करना या उना नु ही अपने अंदाज करना लेकिन एक के है कि बस आगे खलोते खाली हाथ जिवें बंदा लड़दा है तो कुदरत दा करम है जिहड़ा फिर नाल बिल्कुल लड़ जांदा तुसीं आमद ते बिलीव करदे हो रही तुहाडा स्टाइल है वो यही एक ब्रजस्तगी जिहड़ी है तुहाडी वो आमद ही है वो प्री प्लैंड नहीं कर रहा मैं। अच्छा हाजिर जवाब भी बड़ी जबरदस्त है यानी कि दुसर ताड़ी जी है ना गल दे उत्ते जी अगो गल कर दे ये तुम अंदाजा है कि यह बहुत आला है फिर तिसर तिसर उत्ते फिर गलते गल जी गलते गल है ये आमद या टैक्नीकल तौर के उसे सोचते हो कि भी मैं करना है मैं चढ़ के करना है सर रौला है कि जो ड्रामे का टाइम होंगे ना तराना हो चुकता ड्रामा शुरू हो गया ड्रामा शुरू होना जो एंट्री तक पहुँचना ना अपना ब्रेन रखना है उधर फोकस उधर है कि हो रहा कौन की कर रहा ठीक है जी फिर जाना है ठीक है जी अल्लाह नू याद करके ना जो अंदर जाना ना सर तो वो ज़ेन और द दिल इस गल ते बड़े आ होना है कि अगे भावें शेर खलोते ने ना भाई जी ठीक है जी कोशिश ही होनी चाहिए कि मैं खाड़ा है शेर भी ना मतलब गिट्टिया तो घुमा के ना ते विंग च मारा ए दिल दिमाग बने बने होंगे
अल्लाह मदद भेज दिंदा बस बिल्कुल मैं पहली किसी ने जूत की थी आप ही रिपीट आ जाना उन्हें दूसरी की थी रिपीट आ जाए नहीं ये ना मुकन एक सिलसिला है ना मैं नहीं जिन्ना काम मैं किया है या वेखे है जी जी कि वो इस नहीं है तलवार अगर चल रही है तो फिर चलती ही जा रही है भावें सत्त बंदे खलोते ने फिर यह है कि नसबा स्टाइल है ना कि आराम को जाना है देखना है फिर जो स्टाइल करके फिर वो गल करनी है तो ये जो टाइमिंग होंगी है ये जिसले तुसी ये गल कर दे चुके इतों तुसी इस करैक्टर ने गल की इन्हें किसी तीन बंद ने गल की हूँ तुसी पहले इन फॉर एग्जाम्पल जवाब देना तो तुसी इहदे कोल आए हो जी इस जिसले इत्थे खलोते हो गल तुहाडे ज़हन च इत्थे ही आ गई है या तुसी जिसले मूवमेंट कर रहे हो तो उसले गल बन रही है बाज़ औकात इत्थे खलोते आ जांदी है हाँ ठीक है जी बाज़ औकात वड्डी तो वड्डी भी अगले ने गल कर दी हाँ ते वो सुन के जो साधा ना मैं पहले जिक्र किया जी जो उन्होंने दसे वड्डी तो वड्डी गल भी होगी ना उदा अपने आप से घबराहट नहीं लाने सिर्फ जाके ओदे मोढ़ियां ते हाथ मार के इन्हें कह देना शरारती अपनी जुगत कर देनी है कैसा खूबसूरत अपने आप घबरा नहीं पाना घबरा पाई दिमाग च आईया जूत निकल जानी बहुत अच्छे अजी साजन साहब गल करना अज तुहानू इन्हां दा कुली है इन्हां ने तुहानू दस्सा गिफ्ट दित्ता मैं एक गिफ्ट दित्ता जी ए नहीं आम बंदे नूं नहीं पता सॉरी आम बंदे नूं नहीं पता हैगा बल्कि देखो कि यही सदका जा रही है यह अज तुहाडे मूंह निकली गल और दिल की सफाई है सच्चाई है ये गल किन्ने बंदियां दे काम आनी है यह सदका जा रही है जिन्ने जिन्नियां दा भला होना है जी ए भला इथों शुरू होया ना अज पूरी दुनिया ते गर्दिश करके भले ने इत्थे आना ਇਹ ਉਹਦਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਕਾਮ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੱਚਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਲੀਆ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਲੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਉਹ ਸਹਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹਾਇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਹਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਰ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਚਲਾਉਣਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ।